इतनी सुंदर फिनिशिंग है भाई। सूरज के ऊपर माता जी अभी बैठे हुए हैं, मस्त लग रही है भाई साहब। फोन में जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, काफी मस्त शेड दी है भाई, जोरदार मूर्ति लग रही है। देखो शिवलिंग भाई चेक कर लो, जोरदार लग रही है गाइस, लिटरली यार बहुत बड़ी है भाई। तो गाइस ये रहे ऑनर जी। ऐसा है कि अगर बेचे 17-18 हज़ार में श्रृंगार पर डिपेंड करते भैया, डिजाइन के ऊपर रहता है। डिजाइन पर डिपेंड करते हैं। मूर्ति काफी मस्त लग रही है, ये वाली दुर्गा माता की मूर्ति काफी जोरदार है भाई, कुछ वर्ड्स नहीं कहने के लिए मेरे को ही। देख लो टाइगर कितनी फिनिशिंग के साथ है भाई, इनका नेल से फिनिशिंग पता चल जाएगी। देख लो माता जी के 8 हाथ, हाँ 4 हाथ, हाँ हाँ बनाना ज्यादा समय। एवरीवन कैसे हो आप सब? तो बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। दिन की शुरुआत आपके साथ गाइस अपने सब्सक्राइबर भाई की डिमांड के साथ। अभी अपन जा रहे थे नॉट थंबनेल टाइटल तो आपने देख ही लिया है। सब्सक्राइबर भाई बोल रहे थे भाई दुर्गा मूर्ति आपको एक्सप्लोर करवाने वाले। जैसे कि आपको थनौर में पता है भाई सब कलाकारों की वहाँ पे गढ़ है, आप चल के वहाँ पे कलाकारी आपको चेक करवाती। तो गाइस एक ही वीडियो में ना बहुत सारी वहाँ पे आपको कलाकार दिखाएंगे। अभी ना पेंटिंग वेंटिंग का कार्यक्रम चालू हो गया। जैसे की आप लोग को पता है 3 अक्टूबर को है नवरात्रि। तो आज है 26 तारीख। भाई इतनी गर्मी लग रही है ना क्या ही बताया। नीचे लाइट वाइट भी गोल हो रखी है, मेंटेनेंस का कुछ काम वगैरह चल रहा है। सामने में चेक कर लो ना, पत्ता हिल रहा है ना कुछ है भाई। देख लो इतनी ज्यादा उमस हो रखी है। चलो फिलहाल मौसम तो लेकिन खैर सही है, बारिश मत हो भाई, अच्छे से अपने एक्सप्लोर करके आ जाना। शाम वाम में बारिश हो जाए भाई। तो इस गणेश मूर्ति का ब्लॉग वगैरह बने थे, एक्सप्लोर किया आपने, बहुत ढेर सारा प्यार दिखाया है। तो इस वीडियो में पूरा थनौर आपको एक्सप्लोर करवाने वाले। दोस्तों पहुंच गए हैं, फैक्ट्री भी सन्नाटा पड़ी हुई है भाई। रोड देख लो सामने, पूरी रोड सन्नाटा है। तो सामने में टाइम चेक कर लो गाइस, पौने को बजने को आ गया है, लगभग बज ही गए भाई पौने 1। अभी गाड़ी का वेट हो रहा है। बाइक फटाफट बाइक आती है ना, एक्टिवा लेके गए पापा और बाइक बिरजी लेके गए पापा। तो यार भिलाई गए, पापा को आने में टाइम लगेगा और बिरजी बस थोड़ी देर में ही आ रहे हैं। फ़ोन से अभी बात हुआ, बिरजी आते तो फिर चलते, साथ में बिरजी भी चले जाएंगे क्योंकि आज ना गाइस लाइट वाइट गोल है, काम अब दुकान से हो नहीं रहा है तो बिरजी भी साथ में चले जाएंगे। सही हो जाएगा ना भाई। बोलते पीतर पक्ष वगैरह ना, उस नाम से इतना ज़्यादा सन्नाटा पड़ा है भाई। दुकानें वगैरह बिल्कुल, मार्केट वार्केट में भी बिल्कुल सन्नाटा है। वो देख लो किरत भी साथ में आ रहा है भाई। ये देख लो किरत को चिप्स लेके आ रहे। मुझे पूरे 2 चाहिए, ठीक है 2। चले गए पापा, थैंक यू। हाँ पापा चले गए। ये वाटर बॉटल अभी शबद की स्कूल सीधा पहुँच गए, वाटर बॉटल ही भूल गया भाई साहब। वाटर बॉटल फटाफट दे देना, स्कूल का टाइम हो गया भाई, 1 बजने को आ गया। What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. फिलहाल दोस्तों अभी अपन पहुंच चुके हैं थनौर। तो सामने भागवत कुंभकार के पास ही है अभी अपन, और इनकी अभी कलाकारी आपको चेक करवाते हैं। ये वाली मूर्ति अभी तैयार हो रही है दुर्गा माता की, वो देख लो वहाँ पे भी। वहाँ पे फिनिशिंग वगैरह बस दे रहे हैं। वहाँ पे देख लो भाई शेर का भी मुंडी लगा रही, रस्सी वगैरह से ना बिल्कुल टाइट कर दिया। अभी इसमें मिट्टी का भी फिनिशिंग दोगे? काफी काम इसमें अभी बाकी है। अभी शेर की मुंडी को बांध करके ना अभी मिट्टी का पूरा यहाँ पे लैप दे रहे हैं भाई, चेक कर लो। ये थोड़ा इस साइड भी आपको मूर्ति चेक करा दो। ये भी देखो काफ़ी हाइटेड मूर्ति है और काफ़ी सारी अंदर लिटरली भाई, जो कि पेंटिंग कार्यक्रम भी चालू हो गया, पेंटिंग भी आपको दिखाऊंगा। बाकी ये वाली मूर्ति चेक कर लो, कितनी मस्त लग रही है भाई साहब, लिटरली यार जोरदार मूर्ति लग रही है। ये देख लो मिट्टी तो यहाँ पे दे दी गई है, लेकिन ऊपर फिनिशिंग कर रहे हैं ना भैया, गिली मिट्टी लगा के नहीं। देख लो मस्त से फिनिशिंग हो रही है यहाँ पे। चलो दोस्तों आपको अंदर चल के दिखाते हैं। देख लो मशीनें वगैरह चल रही है ना, पेंट वेंट का कार्यक्रम चल रहा है भाई। यहाँ पे मशीन का काफ़ी ज़्यादा साउंड है। अभी अपन एंट्री लिए, ये वाली मूर्ति देख लो काफी मस्त लग रही है भाई। ये वाली तो दुर्गा माता की मूर्ति काफी जोरदार है यार। और ये अंदर चलते हैं, बढ़िया बढ़िया मूर्ति भी चेक कराते हैं। पहले अपन राइट हैंड में चलते हैं तो ये देख लो यहाँ पे पेंटिंग कार्यक्रम चल रहा है। ये देख लो यहाँ पे, देख लो गाइस बॉडी कलर यहाँ पे अभी चल रहा है और इसके ऊपर 2-3 कलर शेड वेड से ना और अभी करेंगे। ये देख लो कितनी मस्त लग रही है भाई मूर्ति। शेर है, शेर के ऊपर माता जी अभी बैठे हुए है और देख लो भाई यहाँ पे मस्त शेड दिए भाई। फोन में जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, काफी मस्त शेड दिए भाई, जोरदार मूर्ति लग रही है। देखो पुट्टी के बाद व्हाइट कलर की हो, अच्छा अच्छा। ये देख लो ये व्हाइट कलर, पहले सबसे पहले इसमें व्हाइट पुट्टी हुआ भाई साहब, उसके बाद व्हाइट कलर के बाद ये देख लो अभी ये वाला कलर दे रहे भाई। ये लाइन से मूर्ति खड़ी है, सब में कलर होगा भाई। उसके बाद जो है ना 3-4 प्रकार के कलर होते हैं, मस्त फिनिशिंग आएगी। और एक दो तीन मूर्ति ना वापस तैयार भी हो रही है। देख लो अभी फ्लैश ऑन कर दी, ठीक ही दिख रहा होगा। देख लो यहाँ पे मिट्टी में अच्छे से अपने पुट्टी नहीं की है भाई, इसमें अभी कलर करेंगे भाई। तो मतलब कि ये दुर्गा मूर्ति में ना बहुत ज्यादा काम रहता है भाई, काफी टाइम लग जाता है दुर्गा मूर्ति बनाने में ना, काफी हाइट की भी मूर्ति रहती है। देख लो यहाँ पे तो तकरीबन 10 फीट के अराउंड की मूर्ति है यहाँ पे, और ये देख लो छोटी छोटी ये 7-8 फीट के अराउंड की यहाँ पे मूर्ति भाई। दुर्गा मूर्ति में होता क्या है, काफी कम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देख लो ये आंटी जी भी यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह कुछ रेडी कर रहे हैं भाई, ये वाली चेक कर लो। माता जी का नेकलेस, अच्छा नेकलेस तैयार हो रहा है, अच्छा अच्छा। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे अभी कर रहे हैं व्हाइट पेंट, अभी भैया लगा रहे हैं। क्यों भैया अभी इसमें पुट्टी कर दी और पेंट लगा रहा है अभी इसमें? अच्छा घिसाई होगा अभी। ये क्या चीज कर रहे हो आप, पेंट है? चौक मिट्टी का है, ओके ओके ओके। मस्त फिनिशिंग आ जाएगी ना भाई, काफी मस्त लग रही है। ये वाली मूर्ति काफी हाइट की है भाई, ये देख लो कितनी हाइट की मूर्ति भाई, कितनी हाइट की मूर्ति भाई, मूर्ति है। और भाई रेडी होने के बाद क्या नेक्स्ट लेवल वाली लगेगी भाई। थनौत में आएंगे एक वीडियो और निकालेंगे भाई, सब्सक्राइबर भाई के डिमांड आते ही रहते हैं। बड़ी शिवलिंग भाई चेक कर लो, जोरदार लग रही है गाइस, लिटरली यार बहुत बड़ी है भाई। इसमें ना गाइस अभी पेंट वेंट होगा ना, काफी मस्त लगेगी भाई साहब, जोरदार। थोड़ा बहुत साउंड का ना एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे पेंट वेंट की मशीन है, पहले पीछे गाना बंद करवाते हैं भाई, गाना भी चल रहा है ना। तो गाइस इस रो पे फिलहाल आ गए, ये देख थोड़ा बहुत पेंट भी हो गया, कितनी मस्त लग रही है ये वाली मूर्ति। और इसकी जस्ट बाजू ये वाली भी देख लो, ये देख लो ऑनर जी रहे भागवत कुंभकार भैया। तो गाइस ये रहे ऑनर जी, अपना थोड़ा भैया बता दीजिए, भागवत कुंभकार इनका नाम है, दुकान के ऑनर जी रहे हैं भैया। दुर्गा मूर्ति का प्राइस का क्या चेंजेस इसमें रहता है? गणेश मूर्ति का प्राइस का जैसे नॉर्मल अपन बनवाएंगे 15,000-20,000 रहती है 7-8 फीट के अराउंड की रहता है, क्योंकि अगर बेचे 17-18 हज़ार में तो श्रृंगार ऊपर डिपेंड करते भैया, डिजाइन के ऊपर। हाँ डिजाइन ऊपर डिपेंड करते हैं। कहा थे कि ना अगर आदमी अगर 25,000 में ली से ना तो कम से कम 10-12 हज़ार में श्रृंगार लगे थे, थोड़ा सा वो करते। तो प्राइस इसका जस्ट डबल हो जाता है भाई, जैसे हाँ, 20,000 की गणेश मूर्ति आपको 10 फीट की 7 फीट की मिल रही है, तो ये जस्ट डबल आपको 40,000 हो जाएगा। हाँ 40,000 हो जाएगा भाई बिल्कुल। और ना इसमें जैसे कि अपना टोटल कितनी मूर्ति यहाँ पे होगी आपने रेडी किया इस बार? 65 होगी। और इस बार गणेश जी भी काफी सारी मूर्ति भैया ने, कितने साल से कर रही है काम? अब मैं तो बोला लगभग 25-26 साल हो गए, 25-26 साल हो गए। भीमलाल कर जाकर बोली 11 साल होकर कर रहा हूं कामला, काफी फेमस है भैया। मेरे को तो कमेंट आया है भाई लोग के कि आपके यहाँ जाओ वीडियो बना के आओ। फोन नंबर वगैरह भी दे दो ताकि नेक्स्ट ईयर अगर किसी गणेश का भी लगे। हाँ ठीक है ना, तो अपना फोन नंबर बता दो। 77-2 833254। ओके ओके, आपको स्क्रीन पे भी नीचे दिख रहा होगा भाई। बताइएगा भैया जैसे अपन एक मूर्ति जैसे पर्टिकुलर एक मूर्ति तैयार करते हैं, कितना आपको समय लग जाता है एक मूर्ति में? एग्जैक्ट तो करे नहीं हुआ सकते हैं, फिर आपको लग जाता है 4 दिन में कर देंगे। 4 दिन में हो जाता है। इसमें ज्यादा टाइम लगता है ना दुर्गा मूर्ति में? माता जी में ज्यादा समय लगता है, गणेश जी में कम लगता है। माता जी के 8 हाथ, हाँ 4 हाथ, हाँ हाँ उंगली वगैरह बनाने में ज्यादा समय लगता है। जी जी जी, ये वाली मूर्ति तो काफी मस्त लगी है भाई। ये पेंट वेंट का भी यहाँ पे चल रहा है, और डेकोरेशन वगैरह जो है ना गाइस, श्रृंगार वगैरह वो कब कल से स्टार्ट करोगे? आज से करूँ और बच्चा कल से करूँ। और अपनी छत्तीसगढ़ से बाहर की कोई मूर्ति है ऑर्डर? कहाँ, कौन सी मूर्ति है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे, कौन सी मूर्ति है वो साइड में? अच्छा ये बाहर में जो पड़ी है, अच्छा अच्छा। गाइस थोड़ा यहाँ पे अंदर लेके चलते ही, देख लो ये वाली देख लो भाई मूर्ति काफी मस्त लग रही है। ये वाली दुर्गा माता की मूर्ति काफी जोरदार है भाई, कुछ वर्ड्स नहीं कहने के लिए मेरे को ही। देख लो फिनिशिंग यहाँ पे जस्टिफाई कर लो भाई, थनौत की फिनिशिंग जोरदार रहती है गाइस, बहुत अल्टीमेट यहाँ पे फिनिशिंग रहती है। डेकोरेशन वगैरह के बाद अल्टीमेट लगेगी भाई। बाकी यहाँ पे लाइन से आप मूर्ति चेक करते जाओ भाई। ये देख लो ये अभी रेडी नहीं हुई है, इनका फेस फेस ना ये ब्लर हो गया भाई। हाँ ये देख लो इनका फेस फेस ना अभी रेडी नहीं हुआ, बढ़िया से रेडी हो जाएगी नहीं। मूर्ति काफी जोरदार है, टाइगर देख लो भाई, ओह लाइन से देखते जाओ भाई। अब थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते भाई, पहले आखिरी मूर्ति लेके चलते हैं। देख लो आगे चलते भाई, वो भाई साहब लोग ना वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं। ये वाली मूर्ति देख लो काफी अल्टीमेट लग रही है, माता जी की मूर्ति काफी जोरदार ये वाली लग रही है भाई। ये देख लो टाइगर कितनी फिनिशिंग के साथ है भाई, इनका नेल से फिनिशिंग पता चल जाएगी। देख लो हाथ की फिनिशिंग देख लो कितनी जबरदस्त हो रखी है भाई। भाई साहब आप लोग सब लोकल से हो कहीं बाहर से हो? बाहर से हो, कहाँ से? धमतरी से हो, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ना मैक्सिमम कलाकार ना चेंज हो रखे है भाई, जो गणेश के टाइम थे ना वो सब अभी दिख नहीं रहे अपने को। चलो दोस्तों अभी एंजॉय करके आओ आप सिनेमैटिक शॉट्स। We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Spend our यहाँ से आपको एक्सप्लोर करा दिया। और अभी जा रहे हैं थनौत के अंदर। थनौत तो यार यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइस, लेकिन अंदर भी बहुत सारे कलाकार हैं ना, राधे आर्ट जी भी है, उनके पास भी लेके चलते हैं। हो गए टर्न लेफ्ट। यहाँ पे देख लो गाइस कितना बड़ा गड्ढा है भाई, बारिश वारिश का सीन चल रहा है। ऊपर भी चढ़ाएंगे तो गाड़ी हो जाएगी इसलिए पूरी रोड खराब हो रखी, स्लिप खा रही भाई बाइक को। तो गाइस दुर्गा माता जी की मूर्ति पूरी हो चुकी है गीली, कल बारिश नेक्स्ट लेवल वाली हुई है ना। तो यहाँ पे देख लो, आपको चेक करवाता हूँ गाइस कैसे सुखा रहे भाई, ये देख लो मिट्टी सुखा रहे हो भैया, वो देख लो मूर्ति पूरी बाहर ही थी, बारिश में भीग गई। और ये देख लो कुछ लोग तो गाइस फैन से भी सुखाते, फैन वगैरह चलाते ना। बाकी ये काफी मस्त जुगाड़ है, काफी जल्दी सूखेगा भाई इससे। कोयला डाल के सुखा रहे हो क्या? कोयला है इसके अंदर? लकड़ी है, अच्छा, लकड़ी के टुकड़े है उसके अंदर। जैसे कि पीछे देख सकते हो, पीछे अभी पहुंच चुके हैं राधे जी के आर्ट के पास। यहाँ उनकी कलाकारी वगैरह चलती है, आपको चल के अंदर दिखा रहे। पेंट का कार्यक्रम हो चुका है शुरू। बिल्लो रानी खड़ी है सामने ही, जस्ट काफी गंदी हो गई, वो बाहर आके आपको चेक कराते। फिलहाल ये देख लो कन्हैया, ये नाम आप पहचान रहे होगे अपने दौर का, ये बस स्टैंड के पास में अभिषेक श्रृंगार सदन, ये सब का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। फिलहाल चलते हैं अंदर, अपन अंदर आगे। लो मूर्ति राधे जी का यहाँ पे कलाकारी चल रही, काफी जोरदार माता जी की मूर्ति है, देख लो काफी हाइट की है, आई थिंक 22-20 फीट के अराउंड की यहाँ पे मूर्ति, काफी जोरदार लग रही है भाई। टाइगर पेंट हो चुका है, कितनी सुंदर फिनिशिंग है भाई, कितनी सुंदर, कुछ वर्ड्स नहीं है भाई सब कहने के लिए, काफी जोरदार मूर्ति बन रखी है वाली। तो आपने कहीं देखी नहीं होगी फिनिशिंग के साथ, वो देख लो अंदर भी, वो काफी मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है भाई। कलाकारी ना अलग नेक्स्ट लेवल है, सबसे हट के कलाकारी यहाँ पे चल रही है। देख लो के ऊपर माता जी अभी बैठे हुए, काफी जोरदार लग रहे भाई, ये देख लो अभी इसमें कलाकारी वगैरह चल रही है। और अंदर अभी आ रहे हैं, क्या हवा मिल गई यार, ठंडी ठंडी मस्त है, फैन काफी तेज चल रहा है, मस्त आ गई भाई हवा। ये देख लो, ये वाली देख लो, काफी मस्त मूर्ति लग रही भाई माता जी की, काफी जोरदार मूर्ति है। ये क्या रेडी कर रहे हो भाई साहब? भाई साहब समझ नहीं आया आपका, क्या बोले आप? कहना लगा रहे हो? ओके। तो आपने ये सामने रथ वाली देखी होगी, ये मूर्ति सामने ही है, और इसकी जस्ट पीछे में भी ये देख लो एक और मूर्ति रथ वाली रेडी हो रही, काफी मस्त लग रही ना ये वाली दुर्गा मूर्ति। और मिट्टी से रेडी कर रहे हैं भाई, चेक कर लो, और फिनिशिंग के साथ ही देख लो कितना मस्त लग रहा है भाई साहब हाथ। गाइस आंटी लोग भी बैठी है, मिट्टी और पुट्टी का प्रयोग करके ना गाइस यहाँ पे कुछ रेडी किया जा रहा है, और ये भी पूरा डेकोरेशन के लिए है ना गाइस। थोड़ी बड़ी मूर्ति के बाजू में आते हैं, यहाँ पे हो रही है पेंट, काफी मस्त लग रहा है भाई, फिनिशिंग देख लो, पेंट हो रहा है ना इसके बाद, देख लो चेक कर लो, जोरदार लग रही भाई मूर्ति। तो जस्ट पीछे में ही आया, और यहाँ पे देख लो गाइस मिट्टी विट्टी को सुखाने का वहाँ पे चल रहा है, वो देख लो कैसे आग से मिट्टी सुखा रहे भाई। अभी आ गए हैं पास में, और ये देख लो पास में चेक कर लो, अभी गीली मिट्टी यहाँ पे लैप दी है, और ये देख लो आग से पूरी मिट्टी सुखाया जा रहा है भाई। हैंड की फिनिशिंग देख लो, इनके हाथ की फिनिशिंग काफ़ी जोरदार, हाथ की फिनिशिंग हो रखी है। मूर्ति देख लो कितनी अल्टीमेट लग रही है भाई, शेर ही शेर आपको देखने में, ये देख लो कितने सारे शेर है, और बीच में माता जी ये देख लो गाइस, इसमें टोटल 10 शेर, यही देख लो यहाँ पे चेक कर लो गाइस, मिट्टी दे दी है और इसको घिसा जा रहा है, वो देख लो वहाँ पे आते ही देख लो पूरा झांकी का ना गेट बन रहा है भाई, काफी जोरदार है ये देख लो, अल्टीमेट भाई, कितनी ऊपर कम से कम 30 फीट के अराउंड होगा भाई, काफी ऊपर तक गेट बन रहा है, ये देख लो चेक कर लो कितनी हाइट का है भाई, मतलब फोन में आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होगे। ये देख लो बास का ना भाई, यह सीढ़ी बनाई गई है ऊपर चढ़ने के लिए, और पूरा यहाँ पे ना काम चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख लो, ये पूरा लाइन से ना ये देख लो दुर्गा मूर्ति का यहाँ पे चल रहा है भाई। ये लेफ्ट हैंड में भी देख लो यहाँ पे मूर्तियाँ बन रही है, थोड़े ऐसे चेक कराते हुए देख लो अंदर मूर्तियाँ बन रही है भाई, मस्त मूर्ति ना ये वाली, ब्लैक आ रहा होगा ये, ऐसे लाइन से काफी सारे कलाकार गाइस। मूर्तिकार भगवत कुंभकार के पास बिलाल पहुँच चुके हैं, मेरे सब्सक्राइबर का DM भी आया, कॉमेंट भी आया भाई जाओ वहाँ पे, तो मैं गणेश मूर्ति तो एक्सप्लोर यहाँ पे नहीं कर पाया गाइस, क्योंकि अभी अपन बीच में बाहर थे, तो बाहर का भी अपना एक्सप्लोरिंग का चल रहा था, तो गाइस गणेश को नहीं दिखा पाया, तो अभी दुर्गा मूर्ति का आपको एक्सप्लोर करते भाई, अंदर इनकी कलाकारी चेक करवाते हैं। चलो गाइस ये देख लो यहाँ पे शेर अभी तैयार हो रहे गाइस, नेक्स्ट लेवल वाले इनकी कलाकारी चलती, कम से कम इनके पास 50-100 मूर्ति होंगी भाई, इतनी सारी मूर्ति रेडी करके, काफी बड़े भाई, वो 3 लेयर 4 लेयर ऐसे लाइन से बनी हुई है भाई। अभी फैन सामने लगा हुआ है, और ये देख लो अभी इसको घिसा जा रहा है, पुट्टी कर दी अभी इसको घिस रहे हो, अच्छा। गाइस यहाँ पे पेंट का कार्यक्रम हो चुका है चालू। चल के आपको दिखाते हैं यहाँ पे भी पेंट हो रहा है। 3-4 कलर अभी तो बेसिक कलर ही अभी कर रहे हैं, 3-4 कलर और इसमें होगा। देख लो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कलर का पूरा भाई केन बना। तो गाइस ये वाली मूर्ति तो काफी अल्टीमेट लग रही है भाई मेरे को। इनकी फिनिशिंग देख लो, जोरदार फिनिशिंग है इनकी भी, बहुत अल्टीमेट भाई। ये पेंट हो रहा है अभी गीला भाई, छूते नहीं है यार। ये काफी बड़ी यार ये वाली मूर्ति, काफी मस्त लग रही है भाई। फिनिशिंग देख लो, जोरदार फिनिशिंग है यहाँ पे। चलो दोस्तों अभी पैदल अभी अपन आगे चल रहे हैं और इनका अभी कलाकारी आपको चेक कराते हो। देख लो आग, उसको वहाँ सामने चेक कर लो भाई, आग उन्होंने जला दी। कल हुई है यहाँ पे अल्टीमेट वाली बारिश, रात पे भी बारिश ही थी। हो पैर अपना हो गया, दलदल में घुस गया भाई। देख लो यहाँ पे साथ में फैन भी चल रहा है और साथ में आग भी जला दी। जल्दी सूख जाए ना भाई, सही हो जाएगा। पूरी मिट्टी गीली हो चुकी है भाई साहब। अपन तो आगे आ जाते हैं, वहाँ हीट काफी ज्यादा फेंक रहा है भाई। फैन है ना, फैन के नाम से काफी हीट फेंक रहा है। चिंताराम के पास अभी फिलहाल आए और इनकी कलाकारी आपको चेक कराते हैं भाई। यहाँ पे देख लो गीली मिट्टी है और इसमें रुई का ना कुछ शेडेस वगैरह कुछ दे रहे भाई। ये अभी देख लो रेडी होने के बाद ना पूरी मूर्ति भाई आप पहचान नहीं पाओगे कि ऐसी मूर्ति थी। काफी अलग हो जाएगी भाई, नेक्स्ट लेवल वाली। वो भी आपको चेक करवाएंगे 2-3 दिन में, फिर आते भाई। बिल्कुल अभी अपन पीछे पे पहुंच गए हैं और ये देख लो यहाँ पे कितनी जोरदार मूर्ति लग रही भाई। ये हो चुकी है पेंट और वहाँ पे देख लो वो ना पूरा शेडेस वगैरह वहाँ पे नेल्स में दे रहे भैया। पास में चल के आपको चेक करवाते हैं। ये वाली जा रही है भिलाई सेक्टर एरिया में, ये वाली मूर्ति जा रही है और कितनी मस्त लग रही भाई, अल्टीमेट यार। शेर का ये देख लो भाई, मुंह चेक कर लो कितने, ये देख लो टीथ रहे हैं भाई, जोरदार यार फिनिशिंग अल्टीमेट। श्रृंगार वगैरह हो जाएगा ना तो और जोरदार लगेगा इसमें ना भाई। श्रृंगार वगैरह बोले तो मतलब कि भाई इसमें अभी सजावट वगैरह करेंगे, काफी मस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेक कराते, चेक कर लो। गाइस यहाँ पे तो ऑर्डर आते हैं बाहर छत्तीसगढ़ से बाहर भी जाते हैं, मध्य प्रदेश और भी कहाँ गोंदिया महाराज साइड, काफ़ी दूर से ऑर्डर आते हैं भाई। यहाँ पे गणेश मूर्ति और दुर्गा मूर्ति दोनों के ऑर्डर काफ़ी दूर से आते हैं। यहाँ पे ना गाइस लंच टाइम होने को आ गया है। टाइम आपको बता दूँ तो अभी बज रहे हैं 2:30। वॉच भी बंद हो चुकी है, वॉच को चार्ज करना बिल्कुल भी भूल गए भाई। क्या और है भाई, वॉच चार्ज ही नहीं कर पा रहे। तो गाइस इस वीडियो को फिलहाल यहाँ तक रखते, मिलते हैं बड़ी वीडियो के साथ। गाइस यहाँ पे आपने मूर्ति वगैरह देखी, काफी अच्छी लगी होगी, काफी सारे कलाकार है। मिलते हैं ऐसी बड़ी वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड वीडियो शेयर कर देना और बड़ी कमेंट कर देना गाइस। मिलते हैं बड़ी वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय।